पर मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव को लेकर बिगुल बजा हुआ है, लेकिन अभी यूपी के अंदर होने वाले उपचुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा सरगर्मी है। यूपी के अंदर इस बार हो रही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव के साथ इनकी तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन अभी तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है। इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है। बीएसपी की तरफ से अगर बात करें तो लगभग 10 जो सीटें हैं यूपी की जिनके अंदर उपचुनाव होने, इनमें से अधिकांश सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी घोषित है वो कर दिए हैं, और कुछ सीटों के ऊपर शेष है जिन पर भी जल्द घोषित किए जा सकते हैं। बीएसपी की तरफ से इन उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है, और इसी को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कानपुर से। कानपुर के सीसामऊ सीट के ऊपर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीएसपी की तरफ से रवि गुप्ता को टिकट है वो फाइनल कर दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का आशीर्वाद मिल चुका है। औपचारिक रूप से घोषणा बीएसपी के चिर प्रतिशत अंदाज के अंदर पार्टी की तरफ से एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करके की जाएगी। पार्टी की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बसपा ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। सीसामऊ निवासी व्यापारी रवि गुप्ता को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। बीएसपी के जिला अध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि जल्दी प्रत्याशी अधिकृत घोषणा मंच के माध्यम से की जाएगी। बीएसपी ने उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। बीएसपी की तरफ से लगातार अपने प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। गाजियाबाद सदर की सीट पर भी बीएसपी की तरफ से जो प्रत्याशी के तौर पर एक सामाजिक कार्यकर्ता को टिकट दिए जाने की खबर सामने आ रही है। इसी तरीके से यहां पर आजाद समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी सतपाल चौधरी को है वो खड़ा